पिछले 2 साल से कोरोना वायरस का कहर झेल रही दुनिया जैसे तैसे पटरी पर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से लोगों को चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने देश के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत गौटेंग में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान की है और इसके संभावित खतरों में विश्व स्वास्थ्य संगठन को आगाह कर दिया है। नीदरलैंड, इजराइल, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के पुराने वेरिएंट से कितना अलग है और ये कितना गंभीर हो सकता है। तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन वेरिएंट। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री जो पहला के अनुसार देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले सप्ताह के हर दिन इसके केवल 200 से अधिक नए मामले आते थे, लेकिन इस सप्ताह में करीब 3200 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश मामले गौटेंग प्रांत से है। मामलों में अचानक से हुई वृद्धि को समझने के लिए वैज्ञानिक ने वायरस के सैंपल की स्टडी की है। क्वाजुलू नेटाल रिसर्च इनोवेशन एंड सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म के निदेशक डुलियो डी ओलिवेरा के अनुसार गौटेंग में 90% से नए मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के थे। नए वेरिएंट पर क्यों चिंतित है वैज्ञानिक? डेटा का आकलन करने के बाद WHO की तरफ से कहा गया है कि शुरुआती साक्ष्यों से पता चलता है कि अन्य वेरिएंट की तुलना में इस वेरिएंट में री इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो लोग कोविड-19 से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं वो इसकी चपेट में फिर से आसानी से आ सकते हैं। कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में इस वेरिएंट में लगभग 30 म्यूटेशन हैं, इसीलिए लोगों में इसके आसानी से फैलने की संभावना है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कोविड-19 की जेनेटिक सिक्वेंसिंग का नेतृत्व करने वाले सेरोन पिकॉक ने AP न्यूज़ को बताया, अब तक के आंकड़ों से पता चलता है कि नए वेरिएंट वो म्यूटेशन है जो तेज़ी से फैलता है। हालांकि इसके कई म्यूटेशन के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। वार्विक यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट लॉरेंस यंग का कहना है कि ओमिक्रॉन में वायरस का अब तक का सबसे ज़्यादा म्यूटेट वर्जन देखा गया है। इतने सारे म्यूटेशन इससे पहले कभी भी एक वायरस में नहीं देखे गए हैं। यही वजह है कि नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिक चिंतित हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रामक है पर क्या खतरनाक भी हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन पिछले बीटा और डेल्टा वेरिएंट से अनुवांशिक रूप से अलग है, लेकिन इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है कि ये जेनेटिक बदलाव इसे ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं या नहीं। इस बात के बारे में भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि वेरिएंट बीमारी को बहुत ज़्यादा गंभीर बना सकता है। इसका पता लगाने में भी वैज्ञानिकों को थोड़ा समय लग सकता है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट का पर वर्तमान वैक्सीन प्रभावी है या नहीं। ओमिक्रॉन के कुछ अनुवांशिक बदलाव चिंता बढ़ाने वाले हैं, लेकिन फिर भी लोगों की सेहत को लेकर इसे कितना खतरा है इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं है। इससे पहले कुछ वेरिएंट जैसे कि बीटा वेरिएंट को लेकर भी वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाए। प्रोफेसर पिकॉक का कहना है कि हम ये नहीं जानते हैं कि नया वेरिएंट डेल्टा की तरह खतरनाक है या नहीं। बता दें कि अब तक डेल्टा को ही कोविड-19 का सबसे ज़्यादा संक्रामक वेरिएंट माना गया है।